मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सामिक ऋषि आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ चेंजर और न्यूएरा में। स्टूडेंट्स, ये हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी का लास्ट लेक्चर है। इस लेक्चर के बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज हम इस लेक्चर में 5 क्वेश्चंस करते हैं और अब तक जितने हमने क्वेश्चंस किए हैं और आज के क्वेश्चंस जो हैं आपके, अगर आप उन सभी क्वेश्चंस में क्या आपका रूल्स अप्लाई हुए हैं, कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, अगर आपको इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप न्यूमेरिकल एबिलिटी का ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द नंबर ऑफ डिजिट यू हैव टू टाइप टू राइट ऑल द पेजेस नंबर ऑफ द बुक स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट 219। ये कह रहा है हमारा कि आपके पास एक बुक है, उस पर कुछ पेजेस हैं, फर्स्ट पेज जो है उसका उस पर नंबर 1 डाला हुआ है और आपने जो टोटल टाइपिंग की है नंबर्स की, क्योंकि हम 1 से लेके 19 तो सिंगल नंबर टाइप करते हैं, 10 टू 99 हम डबल नंबर टाइप करेंगे और 100 टू जहां तक भी आपका ये आएगा, या मैं कह दूं कि 999 तक हम 3 डिजिट्स को टाइप करेंगे। तो वो कह रहा है जहां तक भी आपने टाइप किया है तो वहां तक आपके जो डिजिट्स हो रहे हैं, जितने आपने टाइप किया वो है 290। आपको अब ये बताना है कि पेजेस उसमें कितने होंगे। तो पेजेस फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें पता है 1 से लेके 9 तक कितने पेजेस हुए, 9 पेजेस हुए और 9 डिजिट्स आपने टाइप किए। इसके बाद 10 टू 99 टाइप जो पेजेस होंगे वो कितने होंगे, 90 होंगे और नंबर इसमें हमने कितने टाइप कर दिए, इंटू 2 कर दो कितने हो गए, 180 हमने इनमें टाइप कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं 100 टू 990 करेंगे तो यहाँ पे आपके ये डिजिट कितने होंगे, 900 डिजिट्स होंगे, ये 900 डिजिट इन्हें 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2700 तो 2019 से बड़ा है, तो यानी कि कंप्लीट यहाँ पे हमारा क्या जा रहा होगा, 999 तक नहीं आ रहे होंगे। तो फिर अगर वो 999 तक नहीं आ रहे हैं तो कहाँ तक आ रहे हैं, आपको वही कैलकुलेट करके बताना है कि टोटल पेजेस उसमें कितने हैं। तो हम मान लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक ये जो है आपका ये कुछ हुआ है, यानी कि 100 से लेके आपका कहाँ तक जा रहा है, y तक जा रहा है, 100 से लेकर y तक जा रहा है और ये जो है टोटल पेजेस जो बन रहे हैं वो x पेजेस बन रहे हैं। टोटल कितने पेजेस बन रहे हैं, x पेजेस बन रहे हैं। तो x पेजेस जब ये बन रहे हैं तो ये टोटल कितना हो गया, 3x। अकॉर्डिंग टू अस, हमने जो कैलकुलेशन की उसके अकॉर्डिंग जो पेजेस आए हमारे वो आए 189 प्लस 3x। अकॉर्डिंग टू अस जो हमने कैलकुलेशन की है किसके बेसिस पर, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है जो पेजेस हैं वो तो कितने हैं, 2019। यानी कि क्वेश्चन ने ही ये इंफॉर्मेशन दी है हमें, क्वेश्चन ने ही ये इंफॉर्मेशन दी है हमें, दोनों ही करेक्ट इंफॉर्मेशन होगी, दोनों अगर करेक्ट इंफॉर्मेशन है तो मैं दोनों को इक्वेट कर सकती हूँ इजीली, दोनों को हमने इक्वेट किया तो यहाँ पे अब शिफ्ट हो जाएगा, ये माइनस होगा और फिर इज इक्वल्स टू 3x, 9 माइनस 9 0 और 11 माइनस 8 जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर कुछ लोग स्टूडेंट्स पे सब्ट्रैक्ट करना नहीं आ रहा है तो मैंने साइड में करके बता देती हूँ, 9 माइनस 9 कितना होगा, 0, ये 1 है ये 8 है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें कैरी ओवर चाहिएगा, इसे हम वन करेंगे तब इसे 10 बनाएंगे, जब ये 10 बन जाएगा अब ये इसे कैरी देगा तो हमें क्या हो गया, 11 आ गया। अब ये हमारे पास जो 11 है इसमें से हम क्या डिडक्ट करेंगे, हम डिडक्ट करेंगे इसमें से आपका 8,
एट जब डिडक्ट होगा तो हमारे पास माइनस होकर क्या आएगा, थ्री, और नाइन माइनस वन एट, तो हमारा सब्ट्रैक्ट करके आपका ये नंबर आ जाता है। अब इसको हम क्या करेंगे, हम इसे डिवाइड कर देंगे थ्री से। जब वन ए थ्री जीरो डिवाइड होगा थ्री से इक्वल्स टू एक्स, थ्री वन थ्री, थ्री सिक्स थ्री वन थ्री जीरो, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 310, हमारी एक्स की वैल्यू है 310 हमारी एक्स की वैल्यू है। तो यानी कि आपकी जो 100 से लेके वाई तक के जो पेजेस हैं वो कितने हैं, 610 पेजेस हो गए यहाँ पे। तो टोटल कितने पेजेस आ जाते हैं, अब वो चेक कर लेते हैं। सिर्फ पेजेस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितने थे 90 पेजेस, यहाँ पे पहले कितने थे 9 पेजेस, इन सबको सम कर लो। जब आप इन्हें सम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 709। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। मैं इसको दोबारा से समराइज कर देती हूँ, अगर आपको कहीं पर कंफ्यूजन हो तो आप उसे दूर करें। क्वेश्चन कहता है कि द नंबर ऑफ डिजिट यू हैव टू टाइप, जो आपको नंबर ऑफ डिजिट टाइप करने हैं, और आपको बुक स्टार्ट हो रही है पेज फर्स्ट से, पेज फर्स्ट से जो बुक स्टार्ट हो रही है, और आपने उसमें जितने नंबर टाइप करे वो कितने थे 2019। आपको बताना था कि जो उस बुक, ये जो आप बुक में नंबर टाइप कर रहे हो उस बुक में पेजेस कितने हैं। आपको चार ऑप्शन दे रहे दिए हुए हैं और करेक्ट ऑप्शन आपसे पूछा गया है। यहाँ पे स्टूडेंट सभी को पता है कि जो वन से लेके नाइन तक होते हैं पेजेस वो सिंगल डिजिट पेजेस होते हैं। तो वन से लेके नाइन पेजेस में, यानी कि वन से लेके जो नाइन नंबर तक आपने टाइप किया है, नाइन पेजेस में आपने सिंगल नंबर को टाइप किया है। बट जैसे ही 10 to 99 पर आया, 10 to 99 से पेजेस आपके कितने हुए, 90 पेजेस हुए। अब ये 90 पेजेस में आपने कितने टाइप करे हैं, 2 डिजिट टाइप करे हैं, यानी कि टोटल डिजिट्स ने 180 टाइप करे हैं। अब 100 के बाद से आपने कहीं तक कुछ पेजेस तक तो गए होंगे जो 3 डिजिट के हैं, हमने मान लिया वो वाई थे, और 100 से वाई तक के जो नंबर ऑफ पेजेस थे वो कितने हैं, एक्स पेजेस हैं। तो इसमें आपने 3 डिजिट टाइप किए तो टोटल डिजिट कितने हो गए आपके, 3x हो गए। टोटल डिजिट कितने हैं, 3x आ गए। अगर हम इनका सबका सम करें, इन सबका 9 का, 180 का प्लस 3x का, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा सम 189 प्लस 3x। ये कंडीशन जो क्वेश्चन ने हमें दी है उसके अकॉर्डिंग है, लेकिन क्वेश्चन खुद कहता है कि वो पेजेस कितने हैं, 2019 है। जब वो पेजेस 2019 है तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन बना देंगे दोनों इन्फॉर्मेशन को लेकर, जो क्वेश्चन ने हमें पार्ट वाइज दी है और दोनों जो डायरेक्ट दी है उनको रिलेट कर देंगे। उनको रिलेट करके आपके पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आ गए, आपने कंप्लीट एक्स को कैलकुलेट कर दिया, एक्स की वैल्यू आ गई 610। यानी कि जो आपकी एक्स की वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है 610, यानी कि 610 पेजेस में आपके 3 डिजिट के नंबर लिए हुए हैं। जो 3 डिजिट नंबर आपने टाइप किए वो कितने पेजेस में करें, 610 पेजेस में करें। अब 610 डिजिट, 610 तो हो गए आपके 3 डिजिट के पेजेस, 2 डिजिट के पेजेस भी हैं और 1 डिजिट के पेजेस भी हैं। आपने उन सबको ऐड कर दिया और आपके पास आंसर आ गया, और आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा, काफ़ी ईजी हो गया होगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है उन्हें शायद पहली बार में ही क्लियर हो गया होगा, और जितने अगर 1 या 2% को नहीं क्लियर हुआ होगा तो जो मैंने दोबारा समराइज करा है उसमें आपको क्लियर हो गया होगा। ये तो था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 2 एंड ऑन टिल 19 की पावर 2 तक आपको वैल्यू दे रखी है, और आपको कैलकुलेट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। अब सेकंड क्वेश्चन की सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन क्या है इसकी। सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, हमें गिवन है ऑल्टरनेटली प्लस और माइनस के साइन। तो इसमें आप कोशिश करेंगे, हम इसमें कोशिश करेंगे कि हम इसमें आइडेंटिटी लगा दें। आइडेंटिटी लगाने का मतलब है आप इसमें एल्जेब्रिक जो आइडेंटिटीज होती हैं हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो हम पुट करेंगे। ये है आपका वन का टू डिजिट नंबर इज सच दैट, 2 डिजिट का नंबर है और वो इस तरीके से है, अगर उसकी राइट साइड मीन्स यहाँ पे अगर आप 4 प्लेस कर देते हो, डिजिट 4 प्लेस कर देते हो, तो जो नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा
490 यानी कि 490 ज्यादा हो जाएगा, आपको ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना है। इसे अगेन हम हिडन ट्रायल मेथड से करेंगे। हिडन ट्रायल मेथड क्या कहता है, हम इसको 48 के आगे 4 लगा देंगे तो ये बन जाएगा नंबर हमारा 484। अब इसमें से आप माइनस करो 48, अगर आंसर आएगा आपका 490 तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, अगर नहीं होगा तो हम सेकंड पे आएंगे। जब आप 14 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करोगे, 14 में से 8 सब्ट्रैक्ट करके 0 कभी नहीं आता है, ये सबको पता है, कुछ ना कुछ डिजिट ही आएगा, तो यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। अब बात करते हैं 54 की, 54 हो गया, अब इसे 44 को माइनस करते हैं, 4 माइनस 4 करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है, और 40 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, और 5 यहाँ से कैरी किया हुआ है तो ये 4 बचा, तो ये कितना बन गया, 490 बन गया। तो यानी कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका क्या है, 54 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ से आपका, क्योंकि जब इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो हमारे पास क्या आ रहा है, 490 आ रहा है। अब इसे हम 64 भी करके देख लेते हैं, 64 में से आप क्या करो, माइनस करोगे 64, 4 माइनस 4 जब आप करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 0, 14 माइनस 6 जब आप करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 14 माइनस 6 जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 8। तो ये करेक्ट ऑप्शन यहीं पर वो गलत हो गया। फिर आप इसको क्या कर सकते हो, 564 माइनस 56 करोगे, 14 माइनस 6 करोगे तो कभी 0 नहीं आता, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सेकंड टाइम पे हमें मिल गया था, लेकिन हमने सी और डी सिर्फ और सिर्फ क्रॉस चेक करने के लिए किया था। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है, 54 इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट आपके क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है, किसी भी लेक्चर में अगर आपको डाउट है तो आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी डीएम करके बता सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है आपके पास दो डिजिट है, अगर आप उनको सब्ट्रैक्ट करते हो, उनको सम करते हो और प्रोडक्ट करते हो। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं, 9 माइनस 3 कितना आएगा, 6, जब मैं इनको प्लस करूंगी तो आएगा हमारे पास 12, और जब मैं इनका प्रोडक्ट करूंगी तो आएगा हमारे पास 27। वो कह रहा है इनका जब आप प्रोपोर्शन लेंगे, अगर मैं इसका प्रोपोर्शन लूँ 3 2 3 4 3 9 2 4 9, आपके पास ये आ रहा, लेकिन वो कह रहा है कि अगर आप इनका प्रोपोर्शन लोगे तो आपका प्रोपोर्शन आना चाहिए 1:3:10, बट हमारा आ रहा है 2:3:9, तो यानी कि फर्स्ट चॉइस तो हमारी नहीं हो सकती। तो हमें अगेन ये भी क्वेश्चन हिडन ट्रायल मेथड से ही करना है। अब हम इसे ऑप्शन बी पर जाएंगे, ऑप्शन बी का हम अगर सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा, 3, ऐड करें तो क्या आएगा, 7, और मल्टीप्लाई करें तो आएगा 10। ये तो आगे सॉल्व हो ही नहीं सकता, सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, तो ये तो आपका एज इट इज रहेगा, और ये जो हमें रोशन दिया हुआ है, प्रोपोर्शन दिया हुआ है, उससे मैच नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। बात करते हैं सी की, 10 + 5 = 15 और 10 × 5 = 50, 5 × 5 = 5 × 3 = 5 = 10, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो सी ऑप्शन आपका जो आएगा वो करेक्ट आएगा, जब आप डी पे जाओगे तो वो भी इनकरेक्ट किया जाएगा, क्योंकि जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका आएगा 7, 13 और 30, तो ये भी आपका क्या नहीं हो सकता, आगे सॉल्व नहीं हो सकता, ये खुद सिंपलेस्ट फॉर्म में है और हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म 1:3:10 में ही बना सकते, तो आंसर आपका सी है और सी ही आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम इस वीडियो में और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कहता है
जब आप सम करते हो तो आपके पास आएगा 9। क्वेश्चन है, इफ द फ्रैक्शन फॉर्म बाय टेकिंग, अगर उसमें आपका एक फ्रैक्शन फॉर्म कर दिया जाए, और फ्रैक्शन कैसे फॉर्म किया जाए, बाय टेकिंग 9 लेस देन द नंबर इन न्यूमरेटर। जो न्यूमरेटर में नंबर है उसका 9 लेस एंड 9 मोर देन द नंबर इन डिनोमिनेटर, और जो आपका नंबर डिनोमिनेटर में आएगा उससे 9 ज्यादा, तो उनका जो रेशियो होगा, फ्रैक्शन होगा, वो आएगा 3/4। व्हाट इज द नंबर, नंबर आपका क्या होगा आपको ये बताना है। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखते हैं, इसके ऑप्शंस क्या है वो देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज 36, सेकेंड है आपका 63, थर्ड ऑप्शन है आपका 45, और डी ऑप्शन है आपका 54। तो ये आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। अगर हमारे पास ये, हम शॉर्ट ट्रिक्स में कर रहे हैं क्वेश्चंस, तो हमें फर्स्ट लाइन को क्या दे रखी है वो हम उस पर नहीं ध्यान देंगे, हम जो फर्स्ट लाइन है वो हम सिर्फ आंसर चेक करने के लिए यूज कर लेंगे कि हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आप जनरल एप्टीट्यूड के लिए नहीं सॉल्व कर रहे हो तो इसका अलग प्रोसेस रहेगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ। हमारे पास हम नंबर ले लेंगे कि हमारा नंबर जो है वो n है, जब आप n माइनस 9 कर रहे हो और n प्लस 9 कर रहे हो तो वो क्या बन रहा है, 3/4 आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 4n माइनस 36 इज इक्वल टू 3n प्लस 27, 4n माइनस 3n इज इक्वल टू 27 प्लस 36, ये आपका आ गया 63। यहाँ पे आपके n की वैल्यू क्या आ गई, 63। तो यहाँ के करेक्ट ऑप्शन जो है वो हमारा है b। अब ये जो b करेक्ट ऑप्शन आया है ये हमारा सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, अब इसका सम करके देख लो, तो सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, इन दोनों का जब आप सम करोगे तो क्या आएगा, 9 ही आएगा, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया है। अगर आप फर्स्ट लाइन से आंसर निकालने की कोशिश करोगे तो आपको लगेगा कि हमारे सारे ही आंसर करेक्ट है, बट सेकेंड कंडीशन से हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया 63। क्योंकि अगर आप सेकेंड कंडीशन, ना तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ना ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, और ना ये ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, तो दोनों कंडीशन जो सेटिस्फाई कर रहा है वो है ऑप्शन बी, और वो है आपका 63। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है, और लेक्चर के साथ साथ हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी चैप्टर भी एंड हो जाता है। और हाँ स्टूडेंट्स, इन लास्ट मैं फिर आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ अकेले बेनिफिट मत लें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर के तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।